जो इन लॉज की फैमिली, उनकी दावत है, उनकी इफ्तार दावत है। और ये देखो अभी तक हमने इतनी सारी चीजें ले ली हैं। जी मैंने बनाई है बिरयानी। तो ये देखो मेरी हेल्प करवा रही, छोटी छोटी हेल्पर्स। पिछले 2 से 3 घंटे से मैं बना रही हूँ खाना। शाम को जब चीजें सारी रेडी हो जाएंगी ना, तब तो फिर आपको दावत में दिखाएंगे। चना चाट बिल्कुल रेडी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एमन हसन व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। एज यूजुअल रमजान भी अच्छा जा रहा होगा आप लोगों का। आज का मौसम है कुछ ऐसा, मौसम की ताजा खबर। धूप शूप निकली हुई है काफी ज्यादा और ये सुबह से निकली हुई है। आज मौसम जरा भी खराब नहीं हुआ, बारिश भी नहीं हुई है। मुझे लग रहा था कि बाहर थोड़ी थोड़ी गर्मी है, क्योंकि आप लोग धूप देख कह सकते हो यार गर्मी हो सकती है। लेकिन हसन का फोन आया, हसन कहते हैं अच्छा मैं अपने काम पे हूं तो मुझे पता है कि मैं बाहर गया हूं ना, तो ठंड अच्छी खासी है। क्योंकि ये देखिए हवा चल रही है काफी ज्यादा, हवा की वजह से ना मुझे लगता है मौसम जरा ठंडा हो जाता है। खैर आज इंट्रोडक्शन हम इतना लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सुबह से कर रही थी घर के काम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1-2 दिनों में मेरी पूरी फैमिली, जो इन लॉज की फैमिली, उनकी दावत है, उनकी इफ्तार दावत है, तो उसकी कल से तैयारी शुरू हो जानी है। और आज से तैयारी शुरू हो जानी है, हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन अभी तक मैंने शुरू नहीं की। लेकिन तैयारी ही करी थी, घर सारा नीट एंड क्लीन किया है, मतलब जितने खिलारे थे ना घर में सारा कुछ उठा के हटी हूँ मैं। अब खिलारे समेट लिए हैं, ग्रोसरी का काम रहता है और खाने पकाने स्टार्ट करने का काम रहता है, जो कि अब मैं करने वाली हूँ। अभी बच्चे रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। ठीक है अभी चलते हैं ग्रोसरी करके आते हैं, उसके बाद मजीद बातें करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करनी, दिखाऊंगी सारा कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन। नीचे चलती हूँ मैं, बच्चों को दिखाती हूँ। और बच्चों ने तैयार शायर होके आई, मुझे कहती है मम्मा हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। मैं कहा शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे, आप लोग ग्रोसरी पे जा रहे हो, मेरे साथ हेल्प करवानी है। खैर अभी चलते हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है। गाड़ी भी आज हसन ने उल्टी करके खड़ी की हुई है, मुझे मतलब ऐसे ना बड़ी उलझन होती है, मैं उधर को करके खड़ी करती हूँ। खैर अभी चलते हैं नीचे और बच्चों को लेके ग्रोसरी करके आते हैं। चलो अभी नीचे चले देखेंगे। मलबा मेरा आप लोग रेडी हो? शूज पहने आप लोगों ने? लेट मी चेक। अरे मैं जब भी आऊँ नीचे लिविंग रूम में ऐसे ही खिलारा होता है, चेक करना कितनी मसरूफ है दोनों। इतनी किस चीज की मसरूफियत है, किस चीज की मसरूफियत है? चलो मैं जैकेट लेती हूँ, फिर पहनो जैकेट जल्दी जल्दी और फिर चले चले। अभी किचन मेरा बड़ा बड़ा नीट शीट है, अभी ये खिलारा डलने वाला है, क्योंकि मैं अभी आके जो खाने रेडी करूँगी ना, क्योंकि इफ्तारी भी अभी बनानी है, इफ्तारी भी है शाम को अपनी। आज की तो इफ्तारी करनी है ना, कि कल की तैयारी करी जानी है। किधर गए मेरे बूट? बूट क्या होते हैं, मैंने शूज होते हैं। अच्छा ये जी मैं शूज लगी हूँ पहने, शूज़ों का वर्क पड़ा बेड़ा करके ये मैंने घर के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये पिछले 3 साल से मैं ये शूज़ पहन रही हूँ, और जब भी मैं ऐसे बाहर ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, मैं जल्दी से ये पहन के चले जाती हूँ, इसलिए डोंट जज माई शूज़। खैर अभी शूज़ पहन ली है, मैं अपनी जैकेट पहन लूँ, मिरा की जैकेट उसको पहनाऊँ और फिर निकलते हैं। गाइज हम लोग आ गए थे ग्रोसरी करने, और ये देखो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं, पूरा जो टोकरी है ना वो भरी पड़ी है। जितनी चीज़ें ले सकती ना उतनी ले रही हैं। शुक्र है मैं एक चीज़ ज़्यादा बना रही हूँ ना, तो वो ज़्यादा ज़्यादा ले रही हूँ। तो ओए ध्यान से, यू हैव टू लुक अराउंड। मरवा मेरा अपनी छोटी छोटी ट्रॉलियाँ लेके फिर रही हैं और मैं अपनी बड़ी ट्रॉली भर रही हूँ। आई थिंक यहाँ से मरवा मेरा कुछ भी नहीं लेना, यहाँ से सारा कुछ लिया हुआ है। खैर अभी काफ़ी चीज़ें ले ली हैं मैंने, अभी देखती हूँ एक दो चीज़ें और लेने वाली है वो लेती हूँ, उसके बाद बिल कर आते हैं। चलो अभी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है, ये देखो इन्होंने अपनी अपनी कितनी कितनी ट्रॉलियाँ भरी हुई हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें उठानी थी, मैंने बहुत लिया, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली, मम्मा ने भी बहुत चीज़ें ली है। देखो अभी मेरी भी ट्रॉली भरी है, आपके पास भी इतनी सारी हैं। आपके आपकी चॉकलेट्स गाड़ी में पड़ी हैं, गाड़ी में है ना चॉकलेट्स? हाँ जी। चलो अभी बिल करवाते हैं और घर जाके भी मैंने इफ्तारी भी बनानी है, तो और मुझे लगता है इफ्तारी का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो अभी जल्दी जल्दी बिल कराकर ना घर चलते हैं। 2 hours later
सो गाइज मैं घर आ गई थी ग्रोसरी करने के बाद, आगे इफ्तारी बनाई है मैंने। और मरवा मरवा दिखाओ क्या खेल रही हो। मरवा मेरा अपने टॉयज के साथ खेल रही है जो लेके आई थी शॉपिंग मॉल से। वाओ वाओ दैट्स सो नाइस। ओके फिनिश करो फिर दिखाना ठीक है। तो आके इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग कर सकूँ क्योंकि मैं लेट हो गई थी। अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट है। मैंने आके हसन की लिए अफ्तारी बनाई है, खुद अफ्तारी की है, सारा कुछ कर करके अब मुझे टाइम मिला कि मैं बैठ के थोड़ा सा कुछ खा सकूँ क्योंकि कल की तैयारी के लिए मैं चीज़ें अभी तक, अच्छा ग्रोसरी सीन ये है कि ग्रोसरी अभी तक गाड़ी में पड़ी हुई है, मैंने निकाली भी नहीं है। तो अभी बस मैं ये खा के, मैंने बनाई है बिरयानी और अफ्तारी करके मैं साथ साथ बिरयानी बना रही थी। अब बिरयानी होगी रेडी और सब काम ख़त्म है, अब सिर्फ ग्रोसरी अंदर लेके आनी है, ग्रोसरी सारी सेट करनी है, इधर उधर लगानी है अपनी जगह पे, और फिर मैंने कल की जो अफ्तार की दावत की प्रिपरेशन है वो शुरू करनी है ठीक है। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ थोड़ा सा, ये कल मैंने बनाए थे शाम को, तब से ये चल रहे हैं बेचारे अभी तक बहुत मज़े के बने थे। खैर अभी मैं एक थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ना हिम्मत आएगी तो ग्रोसरी अंदर लेके आती हूँ क्योंकि इतना सामान है ना गाड़ी में सारा अंदर लेके आना है। ये देखें जी मैंने बनाई है बिरयानी, दम पे लगाया हुआ था, आई थिंक रेडी हो गया बिल्कुल। साथ साथ मैं ड्रामा देख रही हूँ और साथ साथ बिरयानी बना रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखो जी ऐसी बनी है मेरी बिरयानी, मज़े मज़े की, देखने में भी अच्छी है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि आई लव माई बिरयानी, मुझे अपने हाथ की बिरयानी बड़ी पसंद है। अभी जाना चाट खा ली थी, मुझे फिर भूख लगी है अब बस मैं बिरयानी खा लूँ और फिर जाके ना मैं ग्रोसरी निकालती हूँ। उस टाइम की मैं यही कही जा रही हूँ ग्रोसरी बेचारी दब गई हुई है पड़ी पड़ी, लेकिन खैर पहले खा पी देते हैं। चलिए अभी ग्रोसरी हमने निकाल ली है और ये देखो मेरी हेल्प करवा रही छोटी छोटी हेल्पर्स। ओ ले जो ले जो हैवी है तो दोनों मिलके उठा रही है ना, ऐसे हैवी नहीं है। नहीं गुड गर्ल्स। मैंने भी इन्हीं को लगाया काम पे मैंने हसन को बोला मेरी हेल्प करवा रहा है, हसन कहते वो है ना तुम्हारी बेटियाँ उससे हेल्प करो। अरे अल्लाह हसन तो चले गए ऊपर लेट गए जाके। ये देखो यहाँ पे खिलारा पड़ा हुआ है, ये देखो जरा तुम लोग कितना गंदा हालत हो, देखो जरा सोफा भी मैंने कल परसों साफ किया। ओए आराम से तोड़ ना देना कुछ, मैंने गोदी से तोड़ दी। वो उठा लो वो ट्रे उठा लो, आ ध्यान से दूसरी साइड से, हाँ एक थोड़ी थोड़ी करके ले जाओ, थोड़ी 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 उठा लो, हाँ बहुत हैवी है, थोड़ी थोड़ी उठा लो चीजें। चलो 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 गो 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 मीरा गो, नीचे रखो थोड़ी थोड़ी करके ले जाओ, वन 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 चीज उठा लो, नहीं दो दो टू टू, चलो 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 थ्री उठा लो, थ्री उठा लो उठा लो। चलो अभी चीज़ें निकाल लिए मैंने, अभी इन सारी चीज़ों को इनके अपनी जगह पे रखती हूँ और फिर ना पैटीज के लिए चिकन मैंने रखा है उसके अंदर, पैटीज के लिए मैंने चिकन बॉईल करने रख दिया है, अभी पैटीज बनाऊंगी और मैं सोची हूँ कि फिर नहीं अभी बना के रख लूँ। क्या बेटा, बेटा ये कॉकटेल्स के लिए वहाँ रखो, मैं बताती हूँ बाद में दिखाऊंगी खोलूंगी जब, जाओ ले जाओ ले जाओ। तो खैर पैटीज बनानी है, मैं बाद में बताती हूँ चलो। तो वह है चिकन पैटीज बनानी है, फिरनी भी बना के रखनी है, पकौड़ों का मिक्सचर बना के रखना है और स्प्रिंग रोल्स शायद बना के रखूँ क्योंकि मैं देखती हूँ स्प्रिंग रोल्स मेरा मतलब उसमें है, मे भी बनाऊँ मे भी नहीं। तो खैर अभी चीज़ें वगैरह ये जो है ना लगाती हूँ मैं उस पर इनकी अपनी जगह पे, और मैं बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ सारा दिन, मैंने इतने काम किए ना आज। तो अभी मैं देखती हूँ कितनी हिम्मत है और कितना कर सकती हूँ, बाकी वरना सुबह उठ के कर लूँगी। A few moments later. So guys खाना खुना खा के मैं चीज़ें लेके आई हूँ, चीज़ें ला के सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी हैं। उसके बाद पिछले 2 से 3 घंटे से मैं बना रही हूँ खाना। खाना अभी क्या बनाया, ऑलरेडी मैंने बना ली है फिरनी, ये देखें जी ये फिरनी बनाई है और यार इतनी मज़े की बनी है ना, बहुत टेस्ट अच्छा है इसका। तो अभी ना बस मैं खजूरें रेडी करने लगी हूँ, खजूरों में डालूंगी ये देखो मैं आज लेके आई थी बादाम और ये काजू और ये अखरोट, इसकी बना के ना खजूरें सारी मैं इसके अंदर रख दूँगी ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी और अभी तक मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे चिकन बॉईल हो चुका है जो जिसका मैंने बनानी है पैटीज ठीक है, और ये मैंने चिकन निकाल दिया है, सुबह चिकन कढ़ाई बनानी है। ये बच्चों ने बर्तन रखे हुए हैं, इसकी बनी है सुबह चिकन कढ़ाई ठीक हो गया, और ये मैंने चिकन का कीमा भगोया है जिसका सुबह बनना है लज़ानिया। तो अभी अभी जो मेरे काम रह गए हैं ना वो है ये खजूरें, फिरनी रेडी हो गई है और
पैटीज और स्प्रिंग रोल। लेकिन मैं ये सोचूँ कि खजूरें रेडी करके ना जाऊँ और बच्चों को सुला लूँ, क्योंकि टाइम देखे 11:15 होने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो बच्चों को सुला के मैं खुद भी रेस्ट करूँगी 3-4 घंटे, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, टांगें बहुत दुख रही हैं, दवाई खा के सोऊंगी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अभी दूसरा दिन हो गया है। रात को मैं जब सोई हूँ ना, तो मैं कोई ऐसी सोई हूँ कि दोबारा मुझसे उठा ही नहीं गया। अभी तक मैं सो रही थी, मतलब अभी तक नहीं, सुबह की मैं उठी हुई हूँ 10:15 की, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं, ये टाइम गलत है, 1 घंटा हमारा पीछे हो गया है, आगे हो गया है। तो अभी बज रहे हैं 12:15 होने लगे हैं, इसका मतलब 1:15 होने लगा है। और मैं सुबह 10:15 की उठ के किचन में घुसी हुई हूँ, जितने काम रात को मैंने पेंडिंग छोड़े थे ना, सारे पेंडिंग ही थे। तो अभी उठ के मेरे सारे काम के 3 घंटे हो गए हैं। ऑब्वियसली कोई मेरे पास वीडियो बनाने वाला नहीं है, वरना मैं आपको साथ साथ दिखाती, और वैसे भी ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाता है अगर मैं साथ साथ दिखाती। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना करके ना, डिशेज थोड़ी थोड़ी आधी आधी मिक्सचर बना के रेडी करके फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखो भी नीचे रखे हुए हैं, सॉरी लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी। ये देखो कितना मेरा किचन भरा पड़ा है। अच्छा खैर, इधर से शुरू करते हैं। ये है पकौड़ों का मिक्सचर, आलू पालक के पकौड़े हैं, ठीक है। उसके बाद है ये चना चाट। अभी इसको मिक्सचर्स बनाने हैं, पकौड़े बनाने वाले हैं, इसमें चटनियाँ डालनी है और नमक मिर्च जो है ना वो डालना है, ठीक है। थोड़े थोड़े रेडी किए हुए हैं मैंने। उसके बाद यहाँ पे बन रहे स्प्रिंग रोल्स के मिक्सचर, ठीक है। मैंने पहले रेडी किए नहीं थे, मुझे कर लेने चाहिए थे, लेकिन अभी बना लिए, टाइम मिल गया तो बना लूँगी, वरना पड़े रहेगा मिक्सचर, फिर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने उठ के ये बनाया था, ये देखो, ये है चिकन जो पैटीज होती है ना, चिकन पफ पैटीज, उसका जो है मिक्सचर है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, जो जाने हैं वो उसमें आलू चने चाट में, ठीक है, उसमें मैं थोड़े से डाले हुए हैं, बाकी अभी ये पड़े हुए हैं, ये डालने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं। उसके बाद यहाँ बन रहा है अब लज़ानिया, ठीक है। स्प्रिंग रोल का मिक्सचर बना के साइड पे कर देना मैंने, फिर लज़ानिया पहले पूरा करना है, और उसके बाद मेरी सिर्फ चिकन कढ़ाई रह जानी है, ठीक है। चिकन कढ़ाई बनाने के बाद मुझे और कोई काम नहीं है, पैटीज़ को फिर रेडी करके रखूँगी, मिक्सचर बना पड़ा है लेकिन पैटीज़ रेडी होने वाली है, मेरे पास जो डो है ना वो पड़ी हुई है फ्रिज में, तो वो करके पैटीज रेडी करके, अगर टाइम हुआ मेरे पास तो दही भल्ले और जो स्प्रिंग रोल्स हैं ना वो एक्स्ट्रा है, अगर टाइम हुआ तो मैं बना लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 1 बज रहा है, मैंने नहाना भी है, बच्चों को भी तैयार श्यार करूँगी, शाम को ऐसे ही शाम हो जानी, पता भी नहीं चलना। तो खैर, अभी ये सारे मैंने काम किए हैं, खलारा बहुत डला हुआ है किचन में। अभी बस मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल का मिक्सचर और लज़ानिया रेडी करके, लज़ानिया रेडी करके ना बिल्कुल प्रॉपर वाला, मतलब बेक से पहले वाला जो रेडी होता है करके ना, मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन जो शाम को जब चीज़ें सारी रेडी हो जाएंगी ना, तब तो फिर आपको दावत में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन अभी यह है कि मैं सारी चीज़ें रेडी करके ना फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाती जाती हूँ, जितना मैं दिखा सकती हूँ। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में हर चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो दावत है उसका नेक्स्ट व्लॉग बनेगा। ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर आज मैं इसी में डाल दूंगी दावत का व्लॉग, सो इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग कल देखना पड़ेगा हर चीज़ रेडी देखने के लिए। तो अभी बस लज़ानिया पूरा करते हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ लज़ानिया रेडी करके, और स्प्रिंग रोल रेडी करके फिर चिकन कढ़ाई शुरू करते हैं। अब लेने लगी हूँ ब्रेक, क्योंकि अब बज गए हैं 4:30 हो गए, मैं सुबह 10:15 की किचन में हूँ लिटरली। अच्छा खैर, चीज़ें ऑलमोस्ट सारी रेडी हो चुकी हैं, मैंने आधा टेबल भी सेट कर लिया है। ये देखें भाई, चना चाट बिल्कुल रेडी है, पापड़ी चाट रेडी है, दही रेडी है, यहाँ पे सैंडविच रेडी हैं, वहाँ पे मैंने खजूरें जो कल रात को करके रखी थी वो रेडी हैं, वो मैंने ढकी हुई हैं अभी, ठीक है। अभी मैं जामे श्री बनाने वाली हूँ, और उसके बाद और क्या है किधर है, और सारा किचन देख लो मेरा गांदर मचा हुआ है। अच्छा, पफ पैटीज और जो चिकन पैटीज हैं वो और स्प्रिंग रोल्स रहते हैं, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि
अभी कितने टाइम हो गया है, 4:45 हो गए हैं, सच 4:30 नहीं हुए, 4:45 हो गए हैं। तो अभी मैं बस जा रही हूँ। हाँ ये देखो ना, पकौड़े भी बना के रख लिए हैं मैंने, थोड़ा सा और भी होने वाला है अभी तो, और लजानिया भी रेडी है बिल्कुल 2 ट्रेज, और ये चिकन कोरमा बनाया है मैंने वो भी रेडी है। अब ट्रे भी मैं थोड़ी सी ना बर्तन चलते रख देती हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ब्रेक लेने 15-20 मिनट की। मैं शावर लूँगी, नहाऊँगी थोड़ा सा, मतलब फ्रेश होंगी, कपड़े चेंज करके आके फिर बाकी चीज़ें शुरू कर दे, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ, तो फिर मैं चाहे टाइम लगी रहो सारा टाइम तो फिर मुझे मसला नहीं होगा। लेकिन इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, आगे वाली तैयारी आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे विद दावत, एवरीवन विल बी कमिंग इन दैट व्लॉग, और उसमें सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। बच्चों ने रोला डाला हुआ, सुबह का मेरा सर खाया हुआ, खैर बेचारे सुबह के खेल रहे हैं अपना, मैं तो किचन में लगी थी जी। अच्छा खैर, इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा और आने वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा, बट इफ यू डिड गिव इट अ ह्यूज थम्स अप और लाइक और शेयर कर दिया करें मेरे व्लॉग्स को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।